फिरोजाबाद दबंगों का कहर, पत्रकार नहीं सुरक्षित, सफेद पोस्ट कर रहे, राजीनामा के लिए बना रहे दबाव। बीजेपी के शासन में दलित पत्रकारों पर हो रहा अन्याय। फिरोजाबाद में पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला, हत्या की साजिश से बुलाया था, कनपटी पर लगाया तमंचा और कर दिया फायर। कत्ल करने के उद्देश्य से आए थे, मौके पर पुलिस न पहुंचती तो शायद हत्या हो जाती। नमस्कार, मैं विनोद कुमार गौतम, संवाददाता फिरोजाबाद से हूं। मेरे साथ परसों 1:30 बजे घटना घटित हुई थी। इसमें दबंगों ने मुझे बुलाया था, मुझसे कहा था कि किसी संगठन की एक मीटिंग होनी है, आप आ जाओ, कवरेज करना है। मैं कवरेज करने गया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे यहाँ पर तमंचा लगाया था, जिसका फायर किया, गोली मिस रह गई, मेरी जान बची है। और उन्होंने मेरी पूरी हत्या की साजिश से आए हुए थे, कत्ल करना था मेरा बोल रहे थे। और उन्होंने बोला भी था कि किसी ने सिपाही दी है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था सर। तब तक ई मोबाइल पुलिस वाले आ गए, उन्होंने देखा कि मैं उनकी गाड़ी में, उन्होंने दोनों तरफ से मुझे बंद करके रखा है, एसी पूरी चला के रखी थी और शीशा भी उसके धुंधला धुंधले से थे, अच्छे से दिख नहीं रहा था। पुलिस वालों ने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद मेरे साथ इतनी घटना घटित हो गई थी कि मैं हक पक में कुछ बोल नहीं पाया अच्छे से। पुलिस वालों ने मुझे बोला कि आप थाने चले जाओ, तहरीर दे दो। मैंने जा कर के तहरीर दी, अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। मेरी हत्या करने की साजिश थी, अगर मेरी हत्या हो जाती तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। मैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि मुझे न्याय दिलाएं, जिससे मुझे न्याय मिल सके। अगर ऐसा ही रहा तो पत्रकारिता से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। पत्रकार देश की, हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वतंत्र मीडिया कही जाती है, वो एक स्वतंत्र होता है और उसे भी अगर खबर बनाने से रोका जाएगा या फिर मार दिए जाएंगे सारे पत्रकार, तो हमारी जनता की आवाज़ आवाम को कौन उठाएगा। मैंने सर सच लिखा था, कुछ गलत नहीं किया था, जो भी खबरें बनाई सच लिखी। मैं सर मुझे चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर दूंगा। मेरा मान सम्मान सब चला गया, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। डॉक्टर भी मेरे पास है, डॉक्टरी की रिपोर्ट आई है और मैं कल पूरा दिन भूखा थाने में यही देखता रहा कि कब इंस्पेक्टर साहब आएंगे और मेरी रिपोर्ट ले आएंगे। वहाँ पर सब नेता आ गए, ज़बरदस्ती मेरे से राजीनामा लिखवाने के लिए बोल रहे थे कि राजीनामा लिखो, नहीं तो तुम पे भी मुकदमा।